Very good afternoon to all my beautiful, lovely, gorgeous viewers sitting out there and watching Call for Care. Welcome to the show. Psoriasis, जिसमें अक्सर स्किन पर रेड पैचेस हो जाना, स्किन का ड्राई हो जाना, स्केली हो जाना आम बात होती है. इसके लिए बहुत सारे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. बहुत सारे सोरेसिस के सिम्टम्स भी हैं. क्या हैं वो सिम्टम्स, क्या हैं वो फैक्टर्स और कैसे अपने ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए आपको मिल सकता है इससे निजात, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं. वेलकम टू द शो सर. थैंक यू. नमस्कार दर्शकों. डॉक्टर अजय, जैसे कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने अभी कहा कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सोरेसिस के लिए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखिए, ज़्यादातर जैसे जहाँ पर समुद्र हो उसके आसपास अगर कोई रहता है तो वातावरण में नमक की मौजूदगी होती है जी. और खाने में भी जो लोग नमक बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इंटरनल फैक्टर ये भी होता है कि अगर आप नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे भी बढ़ जाता है सोरेसिस. और विटामिन डी की भी कमी से हो जाता है. इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि नमक कम से कम प्रयोग करें. जिसको भी सोरेसिस हो जाए एकदम घटा आधे का भी आधा कर दें तो बहुत अच्छा रहता है. ओके, नमक कम करना एक फैक्टर हो सकता है. दूसरी चीज, अगर क्लाइमेटिक चेंजेस की बात की जाए, जैसे बाहर बहुत ठंड है इस वक्त तो अक्सर हमने देखा कि लोगों की स्किन पर रेड पैचेस हो जाते हैं पैरों और हाथों पर नॉर्मली, तो क्या ये भी सोरेसिस का इन्फेक्शन हो सकती है? सोरेसिस नहीं, लेकिन हाँ, अगर इसको अगर ध्यान न दिया जाए और ये हर बार बार होता है आपको तो ये हो सकता है कि धीरे धीरे आपको सोरेसिस हो जाए. ओके, मतलब इससे हो सकता है लेकिन क्लाइमेटिक चेंजेस एक पार्ट है सिर्फ सोरेसिस का, पूरी तरह नहीं कहा जा सकता. अब ये कॉलर हमारे साथ हैं जी रविंदर, अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैम. नमस्कार, बताइए. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार. नमस्कार. हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को एक क्वेश्चन है. एक तो मेरा बेटा है 20 इयर्स का, उसके मसूड़े ना ब्लैक हो रहे हैं, तो उसके लिए पॉइंट बता दीजिए. और एक मेरे को रात में सोते टाइम हाथ और राइट साइड के लेग और हाथ में पूरे दोनों मतलब सुन्न हो जाते हैं जैसे ना. ओके. और पेन भी होती है मॉर्निंग में, जैसे मतलब अनकंफर्टेबल रहता है. ओके. तो ये दो पॉइंट्स बता दीजिए. और पिंपल्स के निशान जो रह जाते हैं स्किन पे. तीसरे सवाल से शुरुआत करते हैं, पिंपल्स के निशान जिससे अक्सर वुमेन परेशान रहती है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर पिंपल्स के निशान चेहरे पर रह जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ब्लैक कलर ले लें और अपने हाथ में ये बीच वाली उंगली के यहाँ पर ये इस जगह पे एक ब्लैक डॉट लगा लें. बस तो ये एक ब्लैक डॉट दोनों हाथ में लगाएंगे तो इससे पिंपल्स का निशान जो रह जाते हैं वो चला जाएगा. ओके. इसके बाद इन्होंने बात की कि रात को इनके हाथ पैर जो है वो सुन्न हो जाते हैं जब ये सोने जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो ठंड की वजह से भी हो सकते हैं. एक तो कारण ठंड है, दूसरा अगर बार बार ये होता है तो आप तकिया ऊंची लगाना बंद कर दें. ओके. और हल्की तकिया, बहुत बारीक तकिया लगाएं और लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में ऊपर वाला जो जॉइंट है इस पे प्रेशर दें और दिन में आप लाइट ब्लू कलर लगा करके चारों तरफ इस तरीके से रखें और प्रेशर भी देते रहें. एक दो घंटे में एक बार अगर आप प्रेशर देते रहेंगे तो जो भी नमनेस आ रही वो ठीक हो जाएगी. तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में इनको ये करना होगा, रिंग फिंगर में. ओके, रिंग फिंगर में. ओके, इसके बाद इनके बेटे का जो सवाल है कि उनके मसूड़े काले हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मसूड़े काले हो रहे हैं तो ये कारण होता है स्टमक की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे गम्स की ब्लीडिंग होना, मुंह से फाउल स्मेल आना और धीरे धीरे करके फिर मसूड़े भी काले हो जाते हैं जी. तो ऐसी स्थिति में सिर्फ स्टमक की हीट को कम रखना एक काम करेगा. जैसे खाना खाएं तो खाना खाने के साथ पानी ना पिएं, एक डेढ़ घंटे के बाद पानी पिएं. चाय वाय का प्रयोग थोड़ा कम कर दें तो क्योंकि वो हाइपर एसिडिटी क्रिएट करता है वो. और ये दो ग्रीन डॉट राइट रिंग फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट पे लगा करके रखेंगे तो आराम मिलेगा आपको. ओके, तो आपके तीनों सवालों के जवाब आप उम्मीद करते हैं कि आप देख चुकी होंगी. वैसे बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं अजय मिश्रा जी के पास, जो आपको पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि कैसे आपको सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है. अभी बात करते हैं पल्लवी जी के साथ. जी पल्लवी, बताइए क्या सवाल है आपका? आपको देखकर बहुत खुशी. हेलो. हेलो जी, बताइए. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 4-5 सालों से स्किन में प्रॉब्लम है और डार्क पेचेस हो रहे हैं पर वो जा नहीं रहे. बहुत सारी दवाइयाँ ली है. ओके, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना सवाल रिपीट कर दीजिए बिकॉज आपकी आवाज में प्रॉपरली नहीं आ पा रही है. हाँ, मेरे स्किन पे है ना, मेरे पीठ पे, मेरे गाल पे और हाथों पे ब्लैक कलर के स्पॉट हो रहे हैं. ओके. और वो बहुत सालों से है और जा नहीं रहे. बहुत दवाइयाँ मैंने ली है, इसलिए मैंने सोचा आपको पहले भी कॉल किया था पर मेरा कुछ आंसर नहीं आया, आप दोबारा लगाया आपसे. ओके, चलिए, हमारा सौभाग्य कि आपने दोबारा कॉल किया. आपके प्रॉब्लम का, इनके प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है? बहुत आसान है, आप ग्रीन कलर की स्केच पेन ले लें और उससे
दोनों हाथ की छोटी उंगली में बीच वाले जॉइंट पर इस तरीके से दो ग्रीन डॉट लगा लें। तो दोनों हाथ की छोटी उंगली में बीच वाले जॉइंट पर इस तरीके से जब आप दो ग्रीन डॉट लगा करके रखते हैं तो उससे ये होगा कि जो हीट है वो कम हो जाएगी और ये एक्सेस हीट की वजह से ब्लैक स्पॉट या वाइट स्पॉट जो भी आता है उसी वजह से आता है। तो आप इसको लगाएंगे, हाँ इसमें थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, एक दो महीने लगेंगे उसके बाद रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। ओके, पेशेंस इज द कीवर्ड। मतलब हमेशा हम कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ी सी पेशेंस आपको लॉन्ग रन में जरूर पे करेगी। तो नेक्स्ट हमारे कॉलर हमारे साथ हैं, आयुषी जी। आयुषी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। आपके अकॉर्डिंग अजय जी, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का ज्यादा इंटेक होना सोरायसिस के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर ब्लड को इफेक्ट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही स्किन को गवर्न करते हैं। तो स्किन पे आई कोई भी प्रॉब्लम, आप अगर लंग्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि अल्कोहल ज्यादा लेने पर आपके लिवर को इफेक्ट होता है, उसके बाद आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी इफेक्ट आ जाता है, आपको IBS की प्रॉब्लम हो जाना, बार बार मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये हो जाता है, तो ये सारा स्किन पे तो आता ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जो स्मोक करना है ज्यादा या ज्यादा इनटेक ऑफ अल्कोहल है हमारी स्किन पर इफेक्ट करने लगता है, और इन द लॉन्ग रन हमें बाद में पता चलता है लेकिन पता जरूर होता है पहले से ही। अभी बात करते हैं हम अपने अगले कॉलर सुनीता के साथ। जी सुनीता जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सुनीता जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून, मुझे पूछना अपने बेटे के बारे में। जी, उसकी CBSE 12th की एग्जाम है 1 मार्च से। जी, वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसे याद भी नहीं रहता है। ओके, याद नहीं रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है इनका बेटा, एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ पढ़ते वक्त उनको राइट और लेफ्ट दोनों स्मॉल फिंगर पर इस तरीके से ग्रीन कलर से कलर कर दें। ये नाखून के जड़ के पास एकदम होगा, यहाँ पर अंदर की तरफ, तो ये आप दोनों हाथ में लगाएं और उसको पढ़ने को बोलें। जब भी वो पढ़ता रहे तो ये कलर लगा करके रखे। उसके बाद जब एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के लिए बच्चा जब जाए तो उनको रेड कलर के स्केच पेन से रेड कलर कर दें अंगूठे पर, यहाँ पर। ये सिर्फ एग्जाम देने जाते वक्त आप लगाएंगे दोनों हाथ में, दोनों अंगूठों पर। तो जो ग्रीन कलर लगाते हैं वो लगा करके पढ़ने पे जो भी आप पढ़ेंगे वो स्टोर हो जाता है ब्रेन में, और बाद में जब आपको रिकॉल करना हो आप तो वैसे, हाँ वैसे भी किसी को भी रिकॉल करना हो कोई बात वो भूल गया हो, तो अगर अंगूठे में यहाँ पे रेड कलर लगाते हैं तो भूली हुई बात याद आ जाती है। चलिए, तो बहुत ही फायदेमंद है, वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर योर सन। अभी बात करते हैं सविता से, जिन्होंने चंपारण से हमें कॉल किया है। जी सविता जी बताइए क्या पूछेंगी। हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सविता जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मेरी बेटी है। जी बताइए। हाय बीपी। मेरी बेटी 14 साल की हो गई है। जी ओके। उसका लंबाई ग्रोथ नहीं कर रहा है। ओके, 14 इयर्स की है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू हर, तो क्या कर सकती हैं? जो हाइट के पॉइंट 10 हैं, 10वां पॉइंट आप एक बार गौर से देख लें और उसको अगर रेगुलर लगाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की यही समस्या है कि हाइट नहीं बढ़ती है, वजन कम करना होता है। समय इसमें आपको देना होगा और 3 महीने से लेकर के साल भर तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें जैसे लड़कियां, उनमें एक फैक्टर होता है जो हार्मोन का इम्बेलेंस हो जाता है, कई बार पीरियड्स के इम्बेलेंस होंगे या माइग्रेन की समस्या है, तो ऐसे में हाइट तब तक नहीं बढ़ती जब तक की वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए। अदरवाइज ये 10 पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें। एक ब्लैक डॉट यहाँ, दूसरा यहाँ, दो, फिर उसके बाद 3, 4, फिर यहीं से जो जॉइंट होता है इससे एक रेखा बनाएं अगर सीधी तो इसके मेटाकार्पल बोन पर, ये 5 ब्लैक डॉट हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद ऑरेंज कलर ले लें, ऑरेंज कलर से सामने की तरफ एक ऑरेंज डॉट लगाएंगे यहाँ पर, इसके बाद पीछे एक ऑरेंज डॉट यहाँ पर होगा, ये दोनों उंगलियों के सेंटर वाली जो चैनल होती है इसमें होगा, एक ऑरेंज डॉट हम यहाँ लगाएंगे, ये जॉइंट पर एकदम सेंटर में होगा,
और एक टिप पर, तो चार ऑरेंज डॉट हो गए, 1, 2, 3 एंड सामने ये 4। इसके बाद एक ग्रीन डॉट लगेगा मिडल फिंगर में, अगर इन दोनों जॉइंट के बीच के हिस्से को 3 हिस्से में बांटे तो नीचे वाले जो हिस्सा बनेगा उसमें सेंटर पे एक ये पॉइंट लगाते बस। तो ये 10 पॉइंट अगर आप लगातार यूज करते हैं तो हाइट आपकी बढ़ती है। साथ में ये ऐसे पॉइंट है जैसे जन्म से किसी की आंखें कमजोर हैं या जन्म से कोई रोग है, सेरिब्रल पाल्सी होता है कुछ भी, तो उसमें आपको काफी आराम मिलता है जी। तो ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं सविता जी आपने इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लिया होगा कॉपी और पेन लेकर। अभी वक्त हो गया है हमारे शो में एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा जो आपको मिला है बेहतर आपसे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो सोरेसिस की समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितनी जल्दी जल्दी आप स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में बुलावा देते हैं उतनी ही जल्दी जल्दी बहुत सारी बीमारियाँ भी आपके शरीर में घर कर लेती हैं। तो अगर आप किसी भी बीमारी से दूर रहना चाहते हैं और ख़ास करके सोरेसिस की समस्या से, तो स्ट्रेस यानी कि टेंशन को, नेगेटिव सोच को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना ही होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको इस समस्या से ज़रूर निजात मिलेगा। अभी बात करते हैं पूजा के साथ जो हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं। जी पूजा जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हमारा सवाल ये है कि हम 17 साल के हैं और हमारे बाल बहुत सफेद होने लग गए हैं। ओके, और हमारे जी हाइट भी नहीं बढ़ी है। ओके, और जो 17... मेरी बहन है उसके फेस पे बहुत वाइट डॉट्स आ गए हैं। ओके, और ओके, सबसे पहले इनकी समस्या है कि इनके बाल बहुत सफेद हैं जिसकी वजह से बहुत परेशान लग रही हैं, क्या हो सकता है इसका जवाब? अभी जैसे जो हाइट के पॉइंट आपको बताए आप सेम लगा लीजिए, उसी से बालों की भी ग्रोथ हो जाएगी और जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर होने लगता है, बाल सफेद होने लगते हैं, वो भी उसी से ठीक हो जाएगा। आप वही 10 पॉइंट लगाते रहें। ओके, इसके बाद इनकी एक समस्या, इनकी सिस्टर की प्रॉब्लम है कि उनकी स्किन पे वाइट पैचेस हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप जैसे राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे बताया था 2 ग्रीन डॉट बीच वाले जॉइंट पर, ये 2 ग्रीन डॉट दोनों हाथ के स्मॉल फिंगर पे आप लगाते रहेंगे तो जो वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं वो निकल जाएंगे। अभी बात करते हैं शालिनी के साथ। जी शालिनी बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर सर नमस्ते, मैं शालिनी बोल रही हूँ। नमस्कार। एक्चुअली मुझे 4-5 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम है। ओके। काफी ज्यादा हो गई है और इतनी ज्यादा है कि मुझे पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी है, चेकअप करवाया आयुर्वेद में भी, हर जगह चेकअप करवा चुकी हूँ मैं और मेडिसिन भी खा चुकी हूँ लेकिन आराम ही नहीं आ रहा है। ओके। और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन लेकिन मुझे 3-3 बार जाना पड़ता है और उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब अब नॉर्मल नहीं, मेरे 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से ज्यादा मेरे। कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की समस्या क्या कर सकती है इसके लिए? देखिए कॉन्स्टिपेशन को तो आपको दूर रखना होगा और उसके लिए रेड कलर लेकर के आप इंडेक्स फिंगर में, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर में इस जगह पे एक रेड डॉट लगा लिया करें तो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर रखेगा। इसके साथ जो पाइल्स की समस्या है, तो जिस किसी को भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो वो गौर से इन पॉइंट को देख लें, ब्लीडिंग पाइल्स हो तो खास करके जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आप लगा लिया करें। राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे ये पीछे की तरफ एक सेंट्रल लाइन पे आपको ट्रीटमेंट करना है, एक ग्रीन डॉट ठीक जॉइंट पे सेंटर में लगा लें। इसके बाद येलो कलर ले लें, येलो कलर ठीक इसके ऊपर लगाना है आपको उसी सेंट्रल लाइन पर, एक ग्रीन हो गया एक येलो हो गया, फिर ऑरेंज ले लें, ऑरेंज कलर आप ऊपर वाले जॉइंट पे लगा दें और इसके बाद डार्क ब्लू कलर लेकर के डार्क ब्लू से आप लेफ्ट हैंड के थंब के ऊपर वाले जॉइंट पर चारों तरफ डार्क ब्लू कर लें आगे और पीछे, ये आप ठीक पूरे जॉइंट पर ही करेंगे। ये आप लगा करके रखेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो पहले तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, ब्लीडिंग रुकने के बाद धीरे धीरे पाइल्स की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी।
आपको खास ख्याल ये रखना चाहिए कि खाना खाने के साथ आप पानी न पिए, एक डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए, और बार बार कुछ ना खाएं। एक बार जो खा लिया फिर उसके बाद 3-4 घंटे का गैप दीजिए, फिर खाइए, जिससे इजीली खाना पच जाए और कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्रॉपर डाइट का होना बहुत जरूरी है और इसे फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। आई एम श्योर कि आपने समझ लिए होंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं पाइल से निजात पाने के लिए। अभी बात करते हैं रीमा के साथ। जी रीमा बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी रीमा जी बताइए, क्या पूछेंगी? वेट लॉस के पॉइंट पूछने थे जी। वेट लॉस के पॉइंट, ओके, वेट लॉस के पॉइंट जानना चाहती हैं। वेट लॉस के लिए पैर में जो ये रिंग फिंगर होती है पैर वाली, फोर्थ टो, इसमें आप अंदर की तरफ रेड कलर पूरा लगा लें, या महिलाएं जैसे पैर में आलता लगाती हैं जी, तो सारी उंगलियों में अगर आप वो भी लगा करके रखेंगे तो धीरे धीरे वेट आपका कम हो जाएगा। ओके, अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, ईशा है लखनऊ से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। सविता है अभी हमारे साथ। जी सविता बताइए, क्या पूछेंगी आप? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्ते। एक्चुअली मेरे बेटे को डॉक्टर साहब डाउन सिंड्रोम है, तो उसका कोई इलाज है? इसमें मैं बहुत परेशान हूँ। ओके, सिंड्रोम है, आप बताइए कोई उपाय है तो क्या कर सकती है इसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए आप दो पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, और आप राइट हैंड में एक रेड डॉट यहाँ लगाइए और एक यहाँ पर, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दो रेड डॉट ऐसे लगाइए, राइट में लगाना है ये। उसके बाद ब्लैक पेन से दो ब्लैक डॉट लगेंगे, एक लगेगा यहाँ पर, ये सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा, और एक सेंटर पे। तो दो रेड डॉट राइट में और दो ब्लैक डॉट लेफ्ट में, अगर आप ये लगा करके रखेंगे तो आपको आराम आ जाएगा। तो ये दो ब्लैक डॉट्स और दो रेड डॉट्स लॉन्ग रन में आपको बहुत जल्दी पे करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बार फिर से कहूंगी कि पेशेंस आपको रखना होगा। अभी हमारे शो पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपनी स्किन पर ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हार्श सोप्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसी तरह के कुछ केमिकल्स का, उनकी स्किन पर भी सोरेसिस होने की समस्या हो जाती है। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो मैं बस इतना ही एडवाइस करना चाहूँगी मेरे सारे खूबसूरत व्यूअर्स से कि आपकी जो स्किन, जो आपको बॉडी का आकार आपको गॉड ने गिफ्ट दिया है, उसी में खुश रहना सीखिए। बिकॉज नेचुरली जो होता है डॉक्टर अजय, वही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, और बाहर से जो भी हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर उसे कम से कम यूज़ करना चाहिए, राइट? क्या कहेंगे इसके बारे में? कॉस्मेटिक्स कुछ भी आप यूज करेंगे तो वो आपके स्किन पे इफेक्ट डालता ही है, और जो भी चीज स्किन को टच करती है उसका एब्जॉर्प्शन तो होता है अंदर, तो सीधे ब्लड में जाता है। तो जो भी हम लगा रहे हैं, जैसे आप स्किन के लिए ऑइंटमेंट कोई लगाते हैं, कोई दवा लगाते हैं स्किन की, तो वो भी एब्जॉर्ब तो होती है, वैसे ही ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अंदर जाकर के इफेक्ट तो करता है। तो कहीं ना कहीं हमें स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक एसएमएस हमारे पास है शिवानी का, वो 22 साल की हैं, उनका वजन है 45 kg, लेकिन वजन बढ़ाना चाहती हैं, क्या कर सकती हैं इसके लिए? वजन बढ़ाने के लिए जो बेस्ट है उपाय वो ये है, एक तो पेट को साफ रखना चाहिए, ठीक रखना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। दूसरा, आप अपने हथेली में यहाँ पर येलो कलर से लगा करके रखें पूरा एक राउंड, वो लगा के दिखा देते हैं। ये अगर आप लगा करके रखेंगे तो धीरे धीरे करके आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो दोनों हाथ में इसको लगा करके रखें, दिन में 2-4 घंटे के लिए आप लगा करके रखिए, फिर साफ कर दीजिए। ओके, वेरी सिंपल डॉट, दोनों हाथों में ना लगा के रखना जी। एक और एसएमएस ऑफ अ गाय की, वो उम्र इन्होंने नहीं लिखी है, ना ही अपना नाम लिखा है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं जिंदगी में और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव सोच है इनकी बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, नेगेटिव सोच तो आपको अपने से ही बदलनी पड़ेगी। दूसरा, हम जो पॉइंट इसमें मदद करते हैं वो मन को शांत रखने का रहता है। तो मन अगर आपका शांत रहेगा तो वैसे थोड़ी सोच कम हो जाती है और आप पढ़ने लिखने में मन लगने लगता है। तो बेस्ट है कि आप अपने थंब पर, लेफ्ट थंब पे, ये जो नाखून के बॉर्डर लाइन है उससे थोड़ा नीचे रहता है, ये दो पिंक डॉट लगा करके रखें, ये हमेशा लगा करके रखें आप, दिन में एक बार लगा लीजिए, अगर धुल जाता है तो फिर से रिपीट कर दें। ऐसा अगर आप 1 महीने लगातार कर लेंगे
तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत रहने लगता है, कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा और आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा आपके आसपास के लोगों से। बिल्कुल, जब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट ठीक से करेंगे तो आपका व्यवहार ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा सामने वाले के साथ। हम आज बात कर रहे हैं सोरेसिस के बारे में, कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके जरिए इससे निजात मिल सकता है? देखिए, सोरेसिस के लिए जैसे मैंने पहले कहा, उसका इलाज बेस्ट है कि आप नमक एकदम से कम कर दें, कुछ समय के लिए छोड़ भी दें तो अच्छा है। और उसके साथ दोनों स्मॉल फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पर आप पूरा ग्रीन कलर से कलर कर लें चारों तरफ इस तरीके से, तो सामने और पीछे से आप ग्रीन लगा लें। उसके साथ एक्यूपंक्चर में एक और बात कही जाती है सोरेसिस के लिए कि हफ्ते में एक दिन आप जो निडल आती है इसकी एक्यूपंक्चर की, या आप कोई भी निडल जो स्टरलाइज्ड हो उससे ठीक इस स्पॉट पर यहाँ से ब्लीडिंग करा दें। तो एक बार निडल डाल करके आप निकालेंगे तो यहाँ से ब्लड निकल आए, ब्लड लेटिंग कहते हैं उसको। तो अगर वो हफ्ते में एक दिन आप ब्लड लेटिंग करते हैं तो उससे भी सोरेसिस ठीक हो जाता है। अगर आप ब्लड लेटिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये इस स्पॉट पर आप रेड डॉट लगा करके रखें दोनों हाथ में। ओके, सिर्फ रेड कलर से एक डॉट लगा लें तो वो भी काम करेगा। चलिए अजय जी, आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बताया कि कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके जरिए सोरेसिस से निजात मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार दर्शकों।